में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा ने खुद को आग लगा ली। उसकी चीख पुकार सुनते ही पड़ोसियों ने आग बुझाई, उसे गंभीर हालात में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। छात्रा ने अस्पताल में अपनी मां को बताया, कॉलेज का प्रोफेसर पिछले एक साल से उसे परेशान कर रहा था, उसके साथ छेड़खानी करता था। उसने यह धमकी दी कि मेल जोल नहीं पढ़ाएगी तो वह परीक्षा के दौरान उसे नुकसान पहुंचाएगा। मामला तेंदुखेड़ा में गुरुवार दोपहर का है। परिजनों ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तेंदुखेड़ा टीआई ने कहा कि छात्रा का बयान दर्ज करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों ने इस मामले में आरोपी टीचर से बात की तो उसने कहा कि हमारे वरिष्ठों से बात करो, जो कुछ होगा देखा जाएगा, फोन काट दिया। हमसे यही बोल की गई कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम वहाँ से बस पे बैठे हैं और हमारे पास फोन पहुँच गया कि आपकी बेटी ने आग लगा ली सर। आपकी बेटी ने आग लगा ली। दमोह के तेंदुखेड़ा कॉलेज की छात्रा ने खुद को आग लगा ली। गंभीर हालत में उसे जबलपुर रेफर किया गया है। छात्रा की मां ने कॉलेज के शिक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कोई अरुण पटेल है और रिचा मैडम, अरुण पटेल एक साल से हमारी बेटी को परेशान कर रहा था कॉलेज में फाइनल ईयर में, सेकंड ईयर से परेशान कर रहा था। लेकिन उससे ये भी बोला गया था कि घर में नहीं बताना ना तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और कॉलेज नहीं आ पाओगी। फिजिक्स का पेपर था तो उस दिन इनने गंदी हरकतें करके नकल मकल चेक की है उसके, मतलब कहीं गंद, मतलब ऐसे जो महिला को करना चाहिए ये सब इन लोगों ने किया है। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने जांच के लिए एक टीम